हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, इस हफ्ते मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी का काला सच। यस, अगर बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस में पर वीक 1 लाख कमाना है तो इसको वीडियो को प्रॉपर भगा भगा के नहीं, प्रॉपर तरीके से देखिएगा। इसके अंदर मार्केट का पीछे कैसे काम करता है ऑप्शंस में, आप देखते होंगे। आपने ऑप्शंस में बाई किया कोई स्ट्राइक प्राइस पे और अचानक से वो धीरे धीरे जीरो हो गया, प्रीमियम उसका जीरो हो गया। और बड़े बड़े ऑपरेटर्स, बड़े बड़े प्लेयर जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो आप लोग किस तरह से बुद्धू बनाते हैं, क्या पीछे इसके ऑपरेटर गेम चलता है, किस तरह से सेबी काम करती है इसके पीछे, ध्यान से समझना। यस, काला सच। क्यों आप ऑप्शंस के पीछे बार बार भागते हो और क्या गलती करते हो, मैं यहां पे आपको दिखाने वाला हूं। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स कॉज व्हेनेवर वी अपलोड न्यू वीडियो। निफ्टी वीकली एक्सपायरी का काला सच क्या है? सो गाइस, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए। एज यू नो, शेयर मार्केट इज डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट्स। वन इज कैश सेगमेंट्स, अनदर इज फ्यूचर सेगमेंट, थर्ड वन इज ऑप्शन सेगमेंट, राइट, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। गाइस, ध्यान से समझना क्योंकि आपका ढक्कन खोलूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। यस, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है बट आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा मोटो है, राइट? तो मैं यहां पे कैश सेगमेंट में नहीं, फ्यूचर नहीं, ऑप्शन सेगमेंट की बात करना चाह रहा हूं। व्हाट इज ऑप्शंस? एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द बायर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशंस, गिविंग बायर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशंस टू बाय इन केस ऑफ कॉल, और अगर मैं सेल की बात करूं इन केस ऑफ ए पुट, द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस और ऑन बिफोर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और डेट, राइट? एज वी नो, आप सबको पता है देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन, एक कॉल होता है, एक पुट होता है, राइट? मैं इन शॉर्ट बता देता हूं, ये भाई वो नहीं है कि ऑप्शन होता क्या है, कॉल होता क्या है, पुट ऑफ तो क्या है, क्योंकि यहां पर मैं काला सच की बात करने वाला हूं, इसलिए एक ओवरव्यू जो फ्रेशर्स है जो नहीं जानते उनके लिए मैं देना चाह रहा हूं। कॉल क्या होता है? अगर मार्केट ऊपर जाएगा, सपोज करो मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल को बाई करते हैं, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग पुट को बाई करते हैं। यानी कि बुलिश को रिप्रेजेंट करता है कॉल, बेयरिश को रिप्रेजेंट करता है पुट। अगर आप देख रहे हो कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर मार्केट का अच्छा और मार्केट तेजी होगा तो आप कॉल बाई करके चलो, और अगर आपको दिखता है कि यार आगे चल के मंदी है, मार्केट में गिरावट आएगा, कोरोना चल रहा है, ये है, तो आप पुट बाई करो, राइट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, लेकिन बाई दोनों करना है, बाई कॉल भी करना है, बाई पुट भी करना है। गेट माय पॉइंट? इट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर्स एंड सेलर्स। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बायर्स एंड सेलर्स दोनों का साथ में एंगेजमेंट होती है, दोनों साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, राइट? सो व्हाट इज कॉल ऑप्शंस? व्हाट इज कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शंस आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स that gives the options buyers the right but not the obligation to buy a stock bhi ho sakta hai, to buy a bond bhi ho sakta hai, to buy a commodity bhi hota hai, or other assets or instruments at a specified price within a specific time period, theek hai, within a specific time period, okay, the stock bond कॉमोडिटी इज कॉल्ड अंडरलाइंग एसेट, राइट? एक अंडरलाइंग एसेट होता है उसको हम लोग, जो स्टॉक होता है, बॉन्ड, कॉमोडिटी इज कॉल्ड अंडरलाइंग एसेट। और कॉल बायर्स, अ कॉल बायर प्रॉफिट्स कब होता है? व्हेन अंडरलाइंग एसेट इंक्रीज इन प्राइस, राइट? अंडरलाइंग एसेट, मान लो कोई स्टॉक की बात करूं मैं आपसे, सपोज करो निफ्टी की बात करो, इंडेक्स की बात करो, या फिर ऑप्शंस की, रिलायंस ऑप्शंस की बात करते हैं, राइट? बॉस, अगर आपको दिख रहा है कि रिलायंस तेज होने वाला है, राइट,
मान लो लैंस का प्राइस है, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आए गेम है क्या एक्चुअली, उसके बाद आपको काला सच दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। लैंस 1500 का मान लो मोटा मोटी अभी प्राइस चल रहा है CMP, राइट गाइस। अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो लैंस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 100 × 1500, ये आपको कैश में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको लैंस को बाई करने के लिए, लैंस के 100 शेयर बाई करने के लिए 100 × 1500 कितने हो गए, कैलकुलेट करें आपके सामने, समझना 1500 × 100 150,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, राइट। बट ऑप्शंस में हम ट्रेड करते हैं, एज यू ऑलरेडी नो अबाउट सो मेनी यूट्यूबर्स, आप लोगों को बोला जाता है कि भैया इसमें प्रीमियम को बाई करना पड़ता है। मान लो अभी 1500 रुपए का रिलायंस का प्राइस चल रहा है और आप सोच रहे हो कि बॉस अगले महीने या अगले हफ्ते या अगले 10 दिन में 1500 का 1600 रुपए हो जाएगा, तो आप 1600 का जो प्राइस है, जो स्ट्राइक प्राइस है, वो 1600 का कॉल बाई कर सकते हो। तो 1600 रुपए में आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको उसका जो प्रीमियम चलेगा, जो 1600 रुपए का स्ट्राइक प्राइस बाई करने के लिए जो प्रीमियम चलेगा, हो सकता है 15 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, व्हाटएवर द प्रीमियम, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है। जो भी प्रीमियम होगा, मान लो 100 रुपए प्रीमियम चल रहा है, सपोज करो 100 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, राइट। मार्केट में करंट प्राइस 1500, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आफ्टर 10 डेज मार्केट में रिलायंस 1600 रुपए हो जाएगा, तो 1600 रुपए का जो प्रीमियम है हमें वो बाई करना होता है। यानी कि मान लो अगर प्रीमियम 100 रुपए चल रहा है तो हमने कितना बाई किया बॉस, आप सोचो 150,000 में आप 100 शेयर रिलायंस के बाई करते थे, एम राइट। अब आपको सोचो 100 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, यानी कि 150,000 डिवाइड बाई हाउ मच, टेल मी हाउ मच, कम ऑन, दिमाग की बत्ती जलाओ, घुमाओ थोड़ा सा दिमाग को, खाली बैठे रहते हो, सोते रहते हो भाई, दिमाग का ढक्कन खोलो, पैसा कमाना है दिमाग लगाना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट एजुकेशन, एजुकेटेड पीपल यहाँ पे भाई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एजुकेटेड वो नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सॉरी, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, राइट। सोच के देखो भाई, 1.5 लाख रुपए में मेरे को 100 शेयर आ रहे थे रिलायंस के 1500 रुपए के रेट पे, अब वो 1.5 लाख में, अब देखो मैं 100 रुपए का जो ऑप्शन लेता हूँ तो 1,50,000 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1500 क्वांटिटी आएगा, आई एम गेटिंग 1500 क्वांटिटी, जहां 100 क्वांटिटी 1.5 लाख रुपए मुझे मिल रहा था, अब मुझे 1500 क्वांटिटी आएगा, 1600 का मैं कॉल ऑप्शन बाई करता हूं तो, आर गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए बोलते हैं ऑप्शंस में पैसा कम लगता है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बेनिफिट होती है, बट उसके पीछे का काला सच क्या है, कैसे आपको दिखाया जाता है और पीछे कैसे गेम होता है, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, लेट्स सी, राइट। सो अ कॉल बायर प्रॉफिट्स द अंडरलाइंग एसेट इंक्रीज इन प्राइस, ओके। अ कॉल ऑप्शन मे बी कॉन्ट्रास्टेड विद अ पुट which gives the holder to right to sell the underlying asset as a specified price or before expirations, right? अब expiration क्या है वो भी मैं बताऊंगा, expiration क्या होता है, right? अब put options का जान लेते हैं, एक overview. Put options is a contract giving the owner the right but not the obligations to sell or sell short a specified amount of an underlying security at a predetermined price with a specified time frame. The predetermined price, the put options buyer can sell it as called a strike price. The predetermined price, boss, 1500 रुपए का है, ठीक है, अब आपको लग रहा है लैंस का जो 1500 का प्राइस है एक हफ्ते 10 दिन में या 1600 रुपए का 1400 रुपए का हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए की गिरावट होगी, राइट। तो आप सोच रहे हो कि या तो 1500 रुपए में सेल कर दो, कम क्वांटिटी आएगी, या फिर 1400 का पुट ले लो, अरे 1400 का पुट ले लो, तो वो जैसे ही 1400 के रेट पे आएगा आपको क्या होगा, मुनाफा होना चालू हो जाएगा, तो वो जो स्ट्राइक प्राइस है वो 1400 है, वो 1400 रुपए का पुट ले तो, यानी कि 1400 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको आप खरीदोगे एज अ टारगेट, राइट, वो मैं कहना चाह रहा हूं। तो व्हाट इज वीकली एक्सपायरी, वंडरफुल क्वेश्चन। ये वीकली एक्सपायरी जो मार्केट में करते हैं लोग, वीकली कमाया, वीकली एक्सपायरी जो आजकल मार्केट में सभी ने दिया है, वो है क्या, the expire of the future and stock options contract at the last of the Thursday of the month. Thumb rule है, ये पहले से चलता आ रहा है। The expire of the future and stock option contracts are at the last Thursday of the month. यानी कि महीने का जो भी महीना होगा उसका जो last Thursday होगा उस दिन
फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, इसको बोलते हैं मंथली, राइट। बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन हैज टू टाइप्स, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का बता रहा हूं मैं, अब इसमें फ्यूचर के नहीं आएंगे, जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी चलता है, राइट। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन हैज टू टाइप्स, वन इज मंथली एक्सपायरी विच एक्सपायर ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ विद द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया मंथली एक्सपायरी जिसको हम बोलते हैं, और जो वीकली एक्सपायरी है विच एक्सपायर ऑन एवरी थर्सडे ऑफ द वीक। अब आप दिमाग लगाओ भाई, थर्सडे को हो सकता है कोई हॉलीडे हो, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे हो, तब आप क्या करोगे? तो उससे पहला जो होता है, इफ द थर्सडे इज अ ट्रेडिंग हॉलीडे द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन प्रीवियस ट्रेडिंग डे, यानी कि वेडनेसडे को आपका वो एक्सपायर हो जाएगा। रेडी माय पॉइंट? थर्सडे को छुट्टी है, तो वीकली की बात कर रहा हूं, वीकली की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, एक दिन पहले थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। यस, द वीकली एक्सपायर बेसिकली इज एन ऑप्शन एक्सपायरी। ओके, फॉर एग्जांपल एक और बता रहा हूं, इफ आई बाय अ कॉल ऑप्शन ऑफ इन्फी, स्ट्राइक प्राइस 700 रुपए का, ठीक है, जिसका करंट प्राइस सपोज करो 650 से राइट नाउ जो प्राइस चल रहा है 650 का है, 700 रुपए का मैं स्ट्राइक प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये तेज होगा, और 700 रुपए की बात कर रहा हूं। आई बाय अ राइट टू बाय अ शेयर ऑफ इन्फी एट 700 का स्ट्राइक प्राइस जो है, बट इट्स नॉट अ ऑब्लिगेशन, आई कैन सेल दैट राइट, वो जो राइट है, जो मेरा राइट टू बाय है, वो जो राइट है, मैं वो सेल कर सकता हूं एट एनीवन और एट एनी प्राइस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट टाइम, जो भी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट टाइम बताया वो उसके बारे में। पुट के बारे में, इफ आई बाय अ पुट ऑप्शंस ऑफ इन्फी स्ट्राइक प्राइस ऑफ 650 बट द करंट प्राइस इज 700, राइट नाउ मार्केट में 700 रुपए का प्राइस चल रहा है, बट वो अगर 650 का स्ट्राइक प्राइस में बाय करूंगा, मींस आई बाय अ राइट टू सेल शेयर्स ऑफ इन्फी एट 650। सोचो, 700 रुपए का वैल्यूएशन है बट मैं 650 के स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहा हूं, बट इट्स नॉट ऑब्लिगेशन ऑन मी, राइट। तो बायर कॉल पुट एक आपको समझ में आएगा थंब रूल जो मैं आपको देना चाह रहा हूं। बायर क्या होता है? राइट टू बाय कॉल में भी, पुट में राइट टू सेल, राइट होता है सिर्फ, राइट टू बाय, राइट टू सेल इन कॉल एंड पुट, बट इश्यूअर एंड सेलर शॉर्ट सेलिंग की बात, ऑब्लिगेशन टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाय होता है आपका, राइट। एज वी कैन सेल ऑप्शंस, मैनी ट्रेडर्स यूज इट एज अ स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अर्न बाय मेकिंग हेजिंग स्ट्रेटजीज। कायदे से सेल ऑप्शंस स्पेकुलेशंस के लिए बना है, हेजिंग स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए बना है। मैनी ट्रेडर्स यूज इट एज अ हेज एंड मिनिमम देयर रिस्क बाय हेजिंग इन ऑप्शंस। मेरे भाई, सिंपल सा लॉजिक हेजिंग का समझो आप, हेजिंग है क्या है आखिर? बिल्कुल लेमन, आपकी आमची भाषा बोलते हैं ना मुंबई में, आमची भाषा, वो समझाता हूं मेरे भाई। सर, आपने सपोज करो करेंसी बाई करी है, ठीक है, आपको लग रहा है फ्यूचर में करेंसी बढ़ने वाली है, ठीक है, USDNR की बात करो, राइट। अब फ्यूचर में करेंसी बढ़ने वाली है, एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन से आपके, राइट, अब बढ़ने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं डर लग रहा है यार, नहीं भी बढ़े तो क्या? तो क्या करते हैं लोग बाग, जो बड़े बड़े मोटा पैसा में खेलते हैं, ऑप्शंस का सबसे बड़ा चीज यही होती है। सर, आपने मान लो निफ्टी की बात करता हूँ, छोड़ दो वो करेंसी वरेंसी, आपके दूर बाउंस हो जाएगा, निफ्टी की बात करता हूँ भाई, आपको लग रहा है निफ्टी तेज होगी अगले हफ्ते, ठीक है, और फिर कहीं से आपको न्यूज मिलता है, हो सकता है आपके गुरु जी हो, सकता है कोई आपको XYZ बंदा या टीवी में आप देखते हो, कोई न्यूज मिल जाए यार ये तो गिरावट होगी, तो आप क्या करो? बट आपका गट फीलिंग, आपका एनालिसिस, आपका रिसर्च बोल रहा है बाई करो, तो आप फ्यूचर में बाई कर लो, ऑप्शंस में पुट बाई कर लो। फ्यूचर में आपने बाई कर लिया और पुट भी आपने बाई कर लिया, तो आपकी हेजिंग हो गई ना, ऊपर गया तो भी पैसा बनेगा, नीचे गया तो भी पैसा बनेगा। हाँ, अगर ऊपर गया तो नीचे वाला लॉस देगा, यानी कि पुट लॉस देगा, अगर नीचे गया तो पुट प्रॉफिट देगा, फ्यूचर आपको लॉस देगा, यानी कि एक तरह से आपका हेजिंग होती है प्रॉपर तरीके से, राइट। सो मैनी ट्रेडर्स यूज इट एज अ स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अर्न बाय मेकिंग हेजिंग स्ट्रेटजी। मैनी ट्रेडर्स यूज इट एज हेज एंड मिनिमाइज देयर रिस्क बाय हेजिंग इन ऑप्शंस। अच्छा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वीकली और लॉन्गर ऑप्शन बिसाइड टाइम? वर्चुअली
any strategy you can implement with the longer dated options, you can also do with weekly. ध्यान से समझना मेरे भाई. For premium sellers who like to take advantage of the rapidly accelerating time decay curve in an options finally week of its life, the weekly are a bonanza. सोच के देखो, पहले monthly होता था, यानी कि जो आप स्पेकुलेट कर रहे हो भाई साहब, मार्केट में प्राइस निफ्टी का सपोज करो 9000 चल रहा है, आप सोच रहे हो 9500 आएगा, तो आप स्पेकुलेट ही तो कर रहे हो, जरूर थोड़ा आएगा, स्पेकुलेट कर रहे हो, एक एज्यूम कर रहे हो कि भैया फ्यूचर में ये वैल्यू हो सकती है, राइट. पहले वीकली एक्सपायरी थी तो आप वीकली एज्यूम करते थे, अब थोड़ा सा वीक को चार पार्ट में, मंथ को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया. चलो, आप अगर ज्यादा ही अच्छे हो, एक्सपर्ट हो, बिल्कुल प्रोफेशनल हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी चीजों को अच्छे से समझ रहे हो, ऑप्शंस को पूरी तरह समझ रहे हो, उनको एक हथियार दे दिया. पहले आप वीकली स्पेकुलेट करते थे, अब पहले आप मंथली स्पेकुलेट करते थे, अब वीकली स्पेकुलेट करके देखो. बॉस, जो एक्सपर्ट है उसके लिए फायदेमंद है, और जो छोटा रिटेलर है आप और मैं, क्या उसके लिए फायदेमंद है? कैसे आप उसको तरीके से काम कर सकते हो? भगा के नहीं, स्लोली देखना, राइट. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हेन ऑप्शन इट स्टार्टेड. एक बार देख लेते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज जाने से पहले मेरे भाई. In 1973, the Chicago Board Option Exchange (CBOE) introduced the standard call options. Right? The put options was introduced in 1977. Put options की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है? Call options 73 में, put options 77 में. They have proven to be extremely popular as trading volume has grown handily over the decades. भाई साहब, इसको लाने से चार्म पैदा किया गया स्टॉक मार्केट के अंदर, लोगों को वैल्यूएशंस दिखा के अट्रैक्ट किया गया, लोगों को दिखा गया इफ यू आर ए गुड एनफ बॉस, आओ और पैसा लेके जाओ, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ऑप्शंस पे ट्रेड करो, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आपको मिलेगी ट्रेड करने में. इसमें किस किस का फायदा? ब्रोकरेज का सबसे पहले फायदा, एक्सचेंज को ड्यूटीज जाती है इसकी, आप जब ट्रेड करते हो तो ड्यूटीज देते हो गवर्नमेंट को, एक्सचेंज को, इसका भी फायदा. तो क्या आपके लिए लॉलीपॉप है? वेट एंड वॉच. इन 2005, 32 इयर्स आफ्टर इंट्रोड्यूस द कॉल ऑप्शंस, द सीबीओई बिगन्स अ पायलट प्रोग्राम विद वीकली ऑप्शंस. 32 साल के बाद वीकली ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है. नाउ यू कैन गेट पेड. ध्यान से समझना बेनिफिट और डिसएडवांटेज, एडवांटेज थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको. नाउ यू कैन गेट पेड 52 टाइम्स पर ईयर इंस्टेड ऑफ 12. भाई साहब, 12 मंथ, एवरी मंथ का लास्ट थर्सडे तो 12 एक्सपायरी होती थी. तो सोच के देखो, आपको 12 अपॉर्चुनिटी मिलता था स्पेकुलेट करने का मार्केट को, कुछ भी, चाहे ऑप्शंस इंडेक्स में कर रहे हो, करेंसी में कर रहे हो, बाहर के मार्केट में कर रहे हो, वेर एवर ऑप्शंस इज अवेलेबल यू कैन डू दैट, राइट. 12 टाइम्स स्पेकुलेट करने का टाइम मिलता था, अब 52 टाइम्स इन अ ईयर. भाई साहब, क्या आप पैसा बना रहे हो? ध्यान से समझना, पहले 12 बार आपको बुद्धू बनाया जाता था, अब साल में 52 बार बुद्धू बनाया गया है, 52 टाइम्स आपको बुद्धू बना रहा है, ये दिखा के कि हाँ ऑप्शन से पैसा बनता है. बताऊंगा आपको हकीकत, ध्यान से समझना, फिर बोल रहा हूँ, भगा के देखोगे नहीं समझ में आएगा. मेरा वीडियो लंबा होता है दोस्त, क्योंकि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, अपने दिमाग से चीज निकालने के देता हूँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, राइट. सर, टाइम लगता है, ये एक्सपीरियंस आप खुद बताना. चलो, एनीवे, whether you enjoy selling naked puts and calls, randomly sell कर देते हो, buy कर देते हो, naked puts and calls, covered calls, spreads, condors or any other type of strategies, they all work with weekly as they do with the monthlies, just on a shorter timeline, यानि कि एक हफ्ते के लिए सारा game हो रहा है. Have you proven to be extremely popular as trading volume grown handily over the decades? Bias. वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं आपसे, सिर्फ क्या निकाला जा रहा है, आप कुछ समझदार हो, ब्रोकर्स आपसे 20 रुपए बोल बोल के, आप कुछ भी ट्रेड करो 20 रुपए पर ट्रेड दो, 20-20 करके कितना निकाला जाए, आपसे मैं बताऊंगा वो लॉजिक, अभी नहीं आऊंगा. इन 2005,
ठीक है 32 ये तो हो ही गया हमारा, दोबारा आ गया, एनीवे सॉरी. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वीकली ऑप्शंस की अब मैं बात करूंगा. तो लेट्स सी एडवांटेजेस. यू कैन ध्यान से समझना भाई आप क्या करते हो और इसका फायदा क्या है, आप क्या ये फायदा उठा पाते हो, ध्यान से समझना. यू कैन मेक अ वेरी शॉर्ट टर्म बेट, वीकली बेट, राइट, आई कैन से वीकली बेट ऑन ए पर्टिकुलर न्यूज. हो सकता है फेड की मीटिंग हो सकता है सीतारामैया आंटी जी हमारी आके कुछ बोले, हो सकता है बाहर में यूएस मार्केट में ओपेक की मीटिंग हो सकता है फेड की मीटिंग हो सकता है आपका आरबीआई की मीटिंग हो सकता है कुछ पैकेज रिलीफ पैकेज आपके साथ लेके आ रहे, कुछ भी न्यूज आइटम और एनी एंटिसिपेटेड सडन प्राइस मूवमेंट. इसमें आपको बेट करने में आसानी होती है, उस सडन मूवमेंट को खाने में आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा फायदा देता है. क्या आप उस टाइम के लिए ट्रेड करते हो ऑप्शंस पे, ध्यान अपने आप से पूछना, क्या उस मूवमेंट के लिए, उस स्पेकुलेट के लिए, उस न्यूज आइटम पे बेट लगाने के लिए क्या आप ट्रेड करते हो, नहीं करते हो, ध्यान से समझना. लेट्स इमेजिन द आरबीआई पॉलिसी कमिंग एट द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ एंड यू एक्सपेक्ट रेट कट. It would be possible to buy or sell bank nifty options of monthly expiry to capitalize on your assumptions. It would be possible, right? But, you would be risking 3 weeks of premium. मैं weekly के फायदे बता रहा हूँ, weekly options, weekly expiry के फायदे बता रहा हूँ भाई. Risking of 3 weeks of premium. भाई 3 week का premium आप risk में डालते हो अगर monthly है तो. And if you're wrong, you are in big loss. अगर आप गलत हो, आपने bet सही नहीं कर पाया, तो आप big loss में convert हो जाते हो. And with the weekly, और अगर मैं बात करूं weekly, you only have to risk 1 week worth of premium. एक हफ्ते का जो premium है, सिर्फ उतना देना पड़ेगा, instead of remaining total, instead of 4 weeks. यानी कि राइट मंथली की जगह आपको सिर्फ वीकली का प्रीमियम जो होता है वो आपको देना पड़ेगा अगर आप गलत बैट कर जाते हो तो, यानी कि रिस्क दोगे. एंड यू इफ योर स्पेकुलेशन गो राइट यू अर्न बिग. छोटा लॉस दे रहे हो, बड़ा धमाका ले रहे हो उस केस में, ठीक है. अब मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूंगा मेरे भाई, ध्यान से समझना. बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रैपिड टाइम डीके, कम टाइम के लिए और बिल्कुल फटाफट आपको एज अ T20 की तरह शॉट मारना है, बॉल समझने का टाइम ही नहीं है. यू रियली हैव टाइम टू रिपेयर अ ट्रेड, रेयरली हैव टाइम टू रिपेयर अ ट्रेड दैट हैज मूव अगेंस्ट यू बाय एडजस्टिंग द स्ट्राइक्स और जस्ट वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ मींस रिविजन इन द अंडरलाइन सिक्योरिटी. मेरे भाई आपने नोटिस किया जो एक्सपर्ट प्लेयर्स हैं जिनको भी आप फॉलो करते हो, जो ऑप्शंस लवर हैं, जो ऑप्शंस में सेलिंग करके चलते हैं, बाइंग करके चलते हैं, एडजस्टमेंट का पूरा गेम होता है. क्या आपको वो एडजस्टमेंट आती है? जस्ट बिकॉज ऑफ रैंडमली बाई कर लेते हो, सेल कर लेते हो, प्योर गेम ऑफ एडजस्टमेंट. अच्छा, ऑल्दो द ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम आर गुड, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम आप देखते हो ऑप्शन चेन में आपको दिखा दिया जबरदस्ती, आपको एक टूल पकड़ा दिया है, जानबूझ के टूल पकड़ा है दिखाने के लिए कि देखो आप इसके थ्रू एनालिसिस कर सकते हो और आप देखते भी हो, दूसरे यूट्यूबर आपको दिखाते भी हैं. मैं दिखाता हूं आपको क्या होने वाला है, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, वेट करो. दैट इज नॉट नेसेसरली ट्रू फॉर एवरी स्ट्राइक इन वीकली सीरीज, सम स्ट्राइक्स विल हैव वेरी वाइड स्प्रेड्स, बहुत खतरनाक स्प्रेड्स रहता है, बहुत चौड़े चौड़े बड़े बड़े स्प्रेड्स रहते हैं. दैट इज नॉट गुड फॉर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज. स्प्रेड ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज में काम नहीं करेगी, ध्यान से समझना. नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड, निफ्टी बैंक निफ्टी नॉट डिसाइडेड द प्राइस ऑफ स्टॉक्स. आप निफ्टी की बात करते हो, बैंक निफ्टी की बात करते हो, जिसने मेरा निफ्टी 700 का एपिसोड देखा है उसको ये बात समझ में आएगी, जिसने नहीं देखा है मेरे भाई अगेन बोल रहा हूं इसको यहीं पे स्टॉप करके सबसे पहले निफ्टी 700 का एपिसोड देखने का, क्या उसमें लॉजिक दिखाया है, क्या साइकोलॉजी मैंने स्टॉक मार्केट की दी है जो आप सोचते हो उससे अपोजिट होता है, तब जाके इस वीडियो को कंटिन्यू करना, राइट. अदरवाइज यहीं पे स्टॉप करके पहले वो देखो. नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से स्टॉक नहीं चलते, जबकि स्टॉक से निफ्टी बैंक निफ्टी चलते हैं. और शिट, ये क्या मैंने बोल दिया, अभी तक हम सब ने यही सुना है निफ्टी बैंक निफ्टी से स्टॉक चलते हैं. गाइस क्वेश्चन मार्क,
ये क्या आज नई बात है? What rubbish? हाँ, ये सच है कि स्टॉक डिसाइड करते हैं निफ्टी ऊपर जाएगा या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, या निफ्टी नीचे जाएगा या बैंक निफ्टी जाएगा। हर एक इंडेक्स का जो वेटेज है, जिन स्टॉक्स के अंदर वेटेज है, वो वेटेज डिसाइड करता है कि हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। बट आप क्या करते हो, सिर्फ निफ्टी देखते हो, बैंक निफ्टी देखते हो। निफ्टी ऊपर जा रहा है तो सोचते हो, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो सोचते हो, भाई उससे नहीं पैसा बनेगा। निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आप स्टॉक बाई करते हो, सॉरी क्वेश्चन मार्क, उल्टा करो, स्टॉक जा रहा है तो निफ्टी को बाई करो। खोलना दिमाग का ढक्कन अगर समझ में आए मेरी बात तो, राइट? जैसा कि मैंने आपको बताया, निफ्टी 7N वीडियो जाके प्लीज दोबारा देख लेना मेरे भाई, तब आपको प्योर लॉजिक ऑफ साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट की समझ में आएगी। बड़े प्लेयर्स कैसे आपको बुद्धू बनाते हैं, हिंदी में कहकर लेते हैं आपकी, और आप देते भी हो, प्लीज जाके जरूर देखना। हियर इज द लिस्ट ऑफ बैंक निफ्टी वेटेज, जो मैंने आपको बताया वेटेज से चलता है। सो गाइस, कभी आपने नोटिस किया, आप लोग करते हो, इंडिया का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? SBI बोलते हो ना। ध्यान से देखो इस लिस्ट में, इस स्लाइड में, SBI का जो इंडेक्स यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर जो वेटेज है ओनली 12.54% है, जबकि सबसे बड़ा बैंक है हिंदुस्तान का। आप बोलते हो सारे मोस्ट ऑफ द पीपल्स के SBI में अकाउंट 100% खुले होंगे, भाई खुले होंगे, मानते हो? ध्यान से समझो, अब उल्टा रिवर्स कर लो। HDFC बैंक का वेटेज 29.74% है, ICICI बैंक का वेटेज 19.32% है, कोटेक बैंक का 16% है, एक्सिस बैंक का 12.62% है। तो why IndusInd बैंक, why RBL, why फेडरल, why बैंक ऑफ बड़ौदा, why PNB, IDFC, बंधन बैंक, दिमाग लगाओ, why SBI? तो ये जो तीन चार स्टॉक मैंने आपको बताया, HDFC, कोटेक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन चार स्टॉक्स के बैंक निफ्टी में जितने भी इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स आते हैं, उनमें से अगर ये चार पावरफुल हैं, अगर इनके अंदर मूवमेंट है तो बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट होगी, अगर इनके अंदर मूवमेंट नहीं है तो बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट नहीं होगी। और आप कैसे करते हो, उल्टा करते हो, बैंक निफ्टी देख के आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो और स्टॉक्स में बाई करते हो या ऑप्शंस में काम करते हो। दिमाग लगाना मेरे भाई दोबारा, अगर समझ में आए तो। हु इज ऑपरेटिंग बैंक निफ्टी? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटेक बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, कौन ऑपरेट कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक, कोटेक बैंक एंड ICICI बैंक। ये तीन बैंक सब पे भारी है मेरे भाई, पूरे इंडेक्स पे भारी है। ये तीन बैंक डिसाइड करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप सिर्फ देखते हो बैंक निफ्टी में, बार बार बोल रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आया। एक्सिस बैंक, SBI बैंक नॉट अफेक्टिंग एट ऑल बैंक निफ्टी। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वीकली ऑप्शंस एक्चुअली इज। वीकली ऑप्शंस एक इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी है। अरे ये क्या बोल दिया मैंने, यही सोच रहे होंगे आप, राइट? यस, आई एम बैंग ऑन विद माय वर्ड्स, ध्यान से समझना। अब मेरा ट्रॉलर्स बोलेगा कि उनको कुछ नॉलेज नहीं है, इससे ज्यादा तो हमें आता है, यही बोलोगे ना। चलो देखते हैं मैं क्या बोलूं, अब क्या मैं सही हूं या मेरा ट्रॉलर भाई सही है। इंश्योरेंस कंपनी इज वेरी फ्यू एंड बायर्स इज इन टन्स इन द मार्केट। एक बात बताओ भाई, ध्यान से समझना, ट्रॉलर्स ध्यान से समझना, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है मेरे से, राइट? ध्यान से समझना फिर से। अच्छा एक बात बताओ, मैं तीन केस लूंगा, टोटल तीन केस बताऊंगा, आप सिनेरियो समझना। पहला केस, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1,00,000 मुझको दो और BMW ले जाओ, क्या होगा उसके बाद? चलो छोड़ो, एक और ऑफर है आपके लिए ट्रॉलर भाई, आपके लिए। केस नंबर 2, पे 500 rupees एवरी मंथ फॉर 20 years, 20 साल के लिए 500 rupees मुझे एवरी मंथ दोगे 20 साल तक, ओके? एंड आई विल सिक्योर योर लाइफ टिल 70 years, 70 साल तक मैं आपकी सिक्योरिटी लूंगा, गारंटी लूंगा। अगर 70 साल तक कुछ हो गया तो आपको एक अमाउंट दूंगा जिसको हम बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस, राइट? सपोज यू डाइड, आई विल गिव यू 5 crore rupees, 5 crore rupees दूंगा, इफ नॉट देन आई विल नॉट गिव यू एनी सिंगल पेनी। केस नंबर 3, कोई XYZ कंपनी अगर डूबने वाली है तो क्या आप लोग उसमें पैसा लगाओगे? यस और नो प्लीज बताना मेरे भाई, कौन सा ऑफर अच्छा लगा?
95% will go for second case. बोलेंगे कि 500 रुपए ही तो है, 500 रुपए तो पे करना है भाई, हर महीने 500 रुपए, ओनली 500 रुपए, क्या फर्क पड़ता है? और आप डेफिनेटली ले लोगे, क्योंकि आपको मैंने लालच दिया है 5 करोड़ का, 5 CR का, और आप भी बोलोगे हाँ यार 5 करोड़ मिलेंगे मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को, क्या सच्चाई है वो जान लेते हैं। कौन सा ऑफर अच्छा लगेगा आपको, ड्रीम्स और रियलिटी, कि 1 लाख रुपए दो BMW ले जाओ और 500 रुपए दो 5 करोड़ रुपए ले जाओ, कौन सा रियलिटी? देखो मैंने पहले भी बताया है आपको, अपनी लाइव वीडियो में मार्केट का साइकोलॉजी दिया है आपको, समझो भाई, फ्यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट बट फ्यू आर नॉट अंडरस्टैंड टिल नाउ, इसलिए एग्जाम्पल से समझाना पड़ रहा है मुझे, ध्यान से समझना। 5 करोड़ का लालच मैंने आपको दे के क्विक, तुरंत के तुरंत 500 रुपए का प्रोडक्ट आपको मैंने चिपका दिया, यानी कि आपको मैंने सेल कर दिया। अब सोचो आप और मैं, आप और मेरे जैसे लोग मार्केट में कितने हैं, वी आर इन करोड़, पॉपुलेशन पता है आपको इंडिया की, वी आर इन करोड़, एंड इंश्योरेंस कंपनी नॉट मोर देन 100। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी का कब फायदा होगा, व्हेन इंश्योरेंस कंपनी विल बी इन प्रॉफिट, कब? ध्यान से समझना, अगर आप जिंदा हो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अगर मैंने 70 साल तक का आपको दिया है, 70 साल तक आप जिंदा हो तो कंपनी को फायदा है, इंश्योरेंस कंपनी को फायदा है, अगर आप उससे पहले टपक गए तो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं आपको फायदा है। तो क्या आप इसके पीछे साइकोलॉजी, आप क्या 70 साल से पहले मरना चाहते हो? ध्यान से समझना मेरे भाई, कह मत देना ऐसे, तो आप बोल दो कि हाँ मरना चाहता हूँ, बट पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं मरना चाहता भाई, सब जीना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, राइट? और इसी को धंधा बना रखा है, इसी को ऑप्शंस के अंदर मैं रिलेट करने वाला हूँ। चलो अब मैं दूसरा एग्जांपल भी आपको बताता हूँ। ऑप्शंस इज ओनली यूज फॉर हेजिंग एंड व्हाई वीकली। सपोज यू हैव 1 BMW, इट्स टू कॉस्टली, राइट? BMW हाई क्लास, टू कॉस्टली गाड़ी, राइट? और मैं आपको बोलूं कि बॉस साल का सिर्फ 50,000 रुपये आपसे लूंगा, आप मुझसे इंश्योरेंस करा लो, और कोई भी आपकी गाड़ी में दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं दूंगा आपके पैसे, इंश्योरेंस कंपनी देगी, नो नीड टू वरी अबाउट इट, और विदाउट एनी सिंगल एक्स्ट्रा चार्जेस, राइट? सपोज योर कार डैमेज, गलती से आपकी कार डैमेज हो जाती है उस पर्टिकुलर एक साल में, यू पेड अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज एंड एक्सपेंसिस कम अराउंड 1 lakh rupees, राइट? सो 50K गॉन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब सर सोच के देखो, आपका 1 lakh का खर्चा आया एंड एक्सपेंसिस कम्स अराउंड 1 lakh rupees, राइट? सो 50K जो मैंने आपने मुझे दे दिए थे, आपकी जेब से मैंने आपको दे दिए, और रिमेनिंग 50K इंश्योरेंस कंपनी से मैंने आपको दिला दिए, यानी कि जो 50,000 रुपये आपने दिया था वो मैंने आपको बदले में दे दिया, उसके अलावा 50,000 रुपए दिया, मेरा सिर्फ 50,000 का नुकसान है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का, राइट? सो टोटल 1 lakh rupees हुआ। डू यू नो इफ यू यूज इंश्योरेंस क्लेम देन इन नेक्स्ट रिन्यूअल योर प्रीमियम विल बी हायर देन प्रीवियस ईयर। अगर आप इंश्योरेंस को क्लेम कर देते हो, सपोज करो 50% आपने क्लेम मांगा बॉस कि हाँ मैंने 50,000 दिए हैं, अब तो मैं बिंदास क्लेम लूंगा भाई, नेक्स्ट ईयर आपको 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्रीमियम अमाउंट का, दैट 1 lakh अमाउंट स्लोली दे विल चार्ज फ्रॉम योर पॉकेट इन कमिंग नेक्स्ट प्रीमियम ओनली। तो इनका प्योर हिडन लॉजिक आपको ये बोला, अरे 1 करोड़ की कार है, 50,000 में इंश्योरेंस हो रहा है, ले लो। आप बिना सोचे समझे तुरंत ले लेते हो कि यार 50, इतनी महंगी कार मैंने खरीदी है, नई नई कार है, सेंटीमेंट्स भी है, बड़ी बड़ी मुश्किल से मैंने कार खरीदी है, 50,000 में इतना इंश्योरेंस दे रहा है, गाड़ी में कुछ भी होगा तो 50,000 ऐसे रिकवर हो जाएगा, ये सब थॉट प्रोसेस आप खरीद लेते हो। 90% पीपल, ध्यान से समझना, बट 90% पीपल नेवर क्लेम इवन एनीथिंग हैपन टू द कार, इवन आफ्टर हैविंग द इंश्योरेंस ऑल्सो। इंश्योरेंस भी ले लिया, 50,000 में ले भी लिया, उसके बाद आपका जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है, आप लोग कोशिश करते हो कि उसका क्लेम ही नहीं करते हो, रेयरली बहुत कम लोग क्लेम करते हो, कुछ मोटा डैमेज है तो ही क्लेम करते हो, 50% केस में आप क्लेम ही नहीं करते हो। क्यों? अगले साल आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, आपके साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। इफ यू डोंट क्लेम
देन फुल प्रॉफिट होता है कंपनी को, पूरा का पूरा 50,000 रुपए आपसे ले लिया। और मैं यहाँ पे एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, सोच के देख लो, करोड़ों में हैं लोग, करोड़ों में इंश्योरेंस करते हैं। इफ यू डोंट क्लेम देन फुल प्रॉफिट, इफ यू क्लेम देन सम अमाउंट टू बी एडेड इनटू योर नेक्स्ट प्रीमियम। यहां तक सबको समझ में आया कि बॉस दिमाग लगाओ, आप अकेले नहीं हो, करोड़ों लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं, कितने लोग उसमें से क्लेम कर रहे हैं, कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है, और अगर वो क्लेम करते हैं तो नेक्स्ट ईयर ही उनसे 20% एक्स्ट्रा वसूल लिया जाता है प्रीमियम अमाउंट। तो ऐसा नहीं कि अपनी जेब से दे रहे हैं, आपसे प्रीमियम के माध्यम से वो भी पैसा निकाल ले रहे हैं। अब आप सोचो, कैलकुलेशन करो, विनर कितने हैं और लूजर कितने हैं। ऑप्शंस गेम कम फ्रॉम हेजिंग, देन व्हाई कैसीनो? ऑप्शन है एक्चुअली हेजिंग के लिए, बट आप नेकेड बाई करते हो और मार्केट में फंस जाते हो, व्हाई कैसीनो भाई? गेम ऑफ एनएससी, इसलिए मैंने बोला एनएससी मेड अ कैसीनो इन द मार्केट। गेम ऑफ एनएससी, बिग टर्नओवर हाइड ऑन वीकली एक्सपायरी। डू यू नो इन वीकली एक्सपायरी 30% वॉल्यूम एक्स्ट्रा कमिंग आउट ऑफ 30 days, आउट ऑफ टोटल 30 days। इट मीन्स 1 week में उतना वॉल्यूम होता है जितना 30 दिन में होता है, उसका 30% ओनली इन 1 expiry। ध्यान से समझना, सोचो एनएससी 4 weekly expiry में अपने वॉल्यूम 120% इंक्रीज कर लिया, 120% से उसने अपना इंक्रीज कर लिया। ब्रोकरिंग फर्म को भी कमीशन इंक्रीज हो गया, ब्रोकिंग फर्म भी उससे कमा रही है, बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म जो आपने देखा होगा, और ब्रोकर्स ने आपको ऑफर दे दिया कि ऑप्शंस बाइंग पर ट्रेड 20 रुपीज और पर लॉट 20 रुपीज का मात्र, तो आप उसमें भी अट्रैक्ट होते हो कि चल ब्रोकरेज कम लग रही है, लगाओ सौदा। तो ये क्या फंडा है? ये पूरा फंडा वीकली एक्सपायरी को जीरो करने का है, ध्यान से समझना। 120% सिर्फ वीकली एक्सपायरी देने से उनको मुनाफा, 120% का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जो कि पहले 30 दिन में भी नहीं होता था मेरे भाई। चलो, क्या एनएससी ने वीकली ऑप्शंस को कैसीनो बना दिया? बड़ा क्वेश्चन मार्क है, फैक्ट समझ लेते हैं, आपको कुछ सोचने के लिए, कुछ होमवर्क के लिए देते हैं मेरे भाई। अब ये बड़ा फंड कहां से आता है? सोचो, दिमाग लगा के सोचो, लोन फ्रॉम बैंक्स, बैंकिंग फंड्स, फॉरेन बैंक फंड्स, हेजिंग फंड्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये प्रीमियम कैसे जीरो करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई पर्सन मरने वाला है, ठीक है, खुदा ना खास्ता भाई कुछ ऐसा हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई बंदा या बंदी मरने वाला है, ठीक है, और आपसे बोले मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, मैं बच गया तो आपको दे दूंगा, राइट? तो मेरे भाई आंसर क्या बोलोगे उसे, ये बताओ। यही तो बोलोगे कि भाई आप मरने वाले हो तो मेरा पैसा देगा कौन, यही बोलोगे? चलो क्वेश्चन फिर आया, अब वो बोलेगा मैं आपको 10% इंटरेस्ट भी दूंगा, तो तब आप क्या बोलोगे? सोचो सोचो सोचो, कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के देना, 10% अब इंटरेस्ट दे रहा है, मरने वाला है बट अब 10%, अगर जिंदा रह गया तो 10% इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा लौटाएगा, 10% भाई साहब, मंथली 10% देगा, चलो साल का छोड़ो, मंथली 10% देगा, जहां आपको साल भर का भी नहीं मिलता है FD करोगे तो। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज 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 जरूर लिख के बताना आप क्या करोगे, ठीक है भाई? अगर आपके बचने के चांस 50% भी है, 50-50% भी है, तो भी मैं आपको पैसा नहीं देता, और यहां तो आपका चांस 10% है जीने का, तो आप खुद बोल रहे हो तो मैं कैसे आपको पैसा दे दूं? लाइफ ऑफ 1 week कॉन्ट्रैक्ट इज टेलिंग यू आई कैन गिव यू अनलिमिटेड प्रॉफिट। ध्यान से समझना, जो वीकली एक्सपायरी का जो गेम है उसके लाइफ कितनी है? सिर्फ 1 हफ्ते की। तो वही मैंने रिलेट किया है, लाइफ ऑफ 1 week कॉन्ट्रैक्ट इज टेलिंग यू आई कैन गिव यू अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। Why you are not believing on that? It's a pure biggest bluffing in this market, मेरे भाई। Weekly options में 1 week ही होता है, वो मरने वाला है तो फिर उसको क्यों खरीदें?
क्या सोचते हो आप, क्यों पैसा लगाना है आपका? एनएससी और ब्रोकर बोलते हैं आपको 25,000 बैंक निफ्टी परचेस करोगे तो ब्रोकरेज ओई एसएसटी इतना लगेगा, राइट? और ऑप्शंस में करोगे तो कम लगेगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, क्वांटिटी भी ज्यादा कर पाओगे, यही बोला जाता है ऑप्शंस में। एवरी वीक 1,000 से 2,000 अपसाइड एंड डाउनसाइड कॉन्ट्रैक्ट इज ओपन फॉर बाइंग। उसमें से कितने कॉन्ट्रैक्ट में लोग पैसा बना पाते हैं चेक बैंक निफ्टी प्रीवियस डे। आउट ऑफ 100 एक्सपायरी यू विल नॉट सी मोर देन 10-15 एक्सपायरी अनलिमिटेड प्रॉफिट, बट रेस्ट ऑफ द 85 एक्सपायरी यू लूज बिग 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 अमाउंट। जो आपने कमाया है सोचते हो कि 10,000 लेके आऊंगा, 50,000 लेके आऊंगा, 1,00,000 लेके आऊंगा। अब सब लोगों को इस तरह से चूज लिया जाता है। 1,000 से 2,000 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो मार्केट में एक्टिव रहते हैं वीकली एक्सपायरी के टाइम पे। हार्डली दिमाग लगाना भाई, हार्डली उसमें से 10-15 चलते हैं, बाकी सारे 85% जो है सारा का सारा डूब जाता है। एंड आप उसमें सबसे बड़े लूजर हो, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हो उन लोगों को रिच बनाने में। अरे भाई सोचो, इसमें से 5 से 7 कॉन्ट्रैक्ट ही चलेंगे और वो भी प्रॉपर नहीं चलेंगे बिकॉज टाइम वैल्यू, टाइम डीके। अब सवाल ये आता है कि ऑप्शंस बाई नहीं करें तो क्या करें? सेल में तो मार्जिन फ्यूचर वाला ही लगता है, बराबर? आपको समझना पड़ेगा 95% रिटेलर का इंटरेस्ट कहाँ होता है, वो साइकोलॉजी लेवल आपको निकालना पड़ेगा। जहाँ जीरो, ध्यान से समझना, मैंने आपको एक गेम दिखाया था निफ्टी 700 के वीडियो में, मैंने बताया था जीरो का गेम, बिग जीरो का गेम, 00 जेम्स बॉन्ड 007 00 लगता है, और 000 का गेम, याद है वो साइकोलॉजी, याद है वो फंडा? क्या फंडा होता है? जैसे 8,000-9,000 का लेवल, 10,000 का लेवल, दीज आर योर साइकोलॉजी, रिटेलर्स के साइकोलॉजी लेवल्स बता रहा हूँ। 10,500, 11,000, 12,000, 12,500, 13,000 बहुत सुना होगा आपने टेक्निकल, जो टीवी में भी चैनल ब्लू चैनल आके आपको बोलते हैं लेवल। सेलर्स इसी बात का तो फायदा उठाता है बिकॉज उसके पास सब डाटा होता है। एनएससी ओपनली दिखा देती है सब कुछ टर्मिनल पर। बॉस आपकी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है और चैलेंजिंग टास्क भी। वन साइड गेम इज टू रिस्क इन ऑप्शंस, वो हुआ तो ठीक वरना जीरो। अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे आपको सिर्फ बाई ही करना है, नो सेलिंग, ओनली बाइंग करना है, और मजे की बात एक्यूरेसी लेवल की अगर मैं बात करूं, 7 out of 10 आपका परफेक्ट जाए एक्सपायरी, यू विल विन फ्रॉम दैट हेजिंग, प्रॉपर हेजिंग बताऊंगा। तो क्या आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे? और एक प्रॉमिस करो, नेवर ट्रेड इन बिग क्वांटिटी, वरना वो ट्रेड आपका ट्रैक हो जाएगा, बड़ा ऑपरेटर आपका ट्रैक कर लेगा, और जब वो ट्रैक कर लेगा तो आप लपेटे में सबसे पहले आ जाओगे। तो मेरा जो रूल है, 50,000 से ज़्यादा का इन्वेस्ट नहीं करना उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में जो आपको मैंने देखा होगा, आपने मेरे बहुत सारा देखा होगा। मैं आपको एक्सपायरी ट्रेड देता हूँ, एक वीकली एक ट्रेड देता हूँ, 4 से 5 मैक्सिमम बोलता हूँ होल्ड करने के लिए। टेलीग्राम में भी देता हूँ, कई बार कम्युनिटी चैनल यूट्यूब के उसमें भी देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरा कॉल ऑप्शंस का, अचानक से या तो हीरो बनते हो या तो जीरो बनते हो, राइट? बॉस बोल रहा हूँ, 10 में से 7 में टारगेट मिलेगा, 3 में मेरा भी स्टॉप लॉस होगा, बट आई एम रेडी टू गिव। बट मेरा मंत्र क्या है, मनी मैनेजमेंट, 50,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है किसी भी हेज में। ओके, समझ में आया? अगर आप प्रॉमिस करते हो तो प्लीज इस वीडियो में 5,000 लाइक और 50,000 व्यूज डाल दो, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करो, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन का एक सीक्रेट बताऊंगा विद बोनस ऑफ स्टॉक ऑप्शंस, साथ में स्टॉक ऑप्शंस का भी मैं सीक्रेट बताऊंगा। सो वायरल कर दो इस बैंक निफ्टी के काले सच को, किस तरह से थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स,
थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस से किस तरह से प्रीमियम बटोरा जाता है, किस तरह से माल बटोरा जाता है, और आप उस तरह के एनालिस्ट नहीं हो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शंस में एडवांटेज दिखाते हैं कि बॉस कम पैसे में ज़्यादा माल खरीद लिया जाता है, आपको कम प्रीमियम का पैसा देना पड़ेगा, अगर आपके पास 1,00,000 है तो फ्यूचर में काम करते हो, कैश में काटते हो ज़्यादा मार्जिन लगेगा, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, यहाँ पर आप काम करोगे तो उतने ही इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा काम कर पाओगे। भाई 2,000 से 3,000 कॉन्ट्रैक्ट वीकली में एक्टिव रहते हैं, उसमें से हार्डली 10 से 15% चलते हैं, बाकी सब लॉस। क्या आपके पास वो मेथड है कैसे वो 10 से 15 में आए? नहीं है ना? तो गाइस मैं सिर्फ बाई करने की बात करूंगा, पुट भी बाई करेंगे, कॉल भी बाई करेंगे, एक ऐसी हेजिंग स्ट्रेटेजी देने वाला हूं अगर आप लोग मुझे हेल्प करोगे, 50,000 व्यूज डालो और 5,000 लाइक करोगे तो अगर मेरा ये वीडियो बहुत मेहनत लगती है दोस्त अपना मंथन बताने के लिए, क्योंकि मैं रियलिटी की बात करता हूँ, मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ, कैसे कैसीनो चला रहा है मार्केट, कैसे सभी आपके सामने कैसीनो चला रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, डंके की चोट पे काम कर रहे हैं, सब कुछ एग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं, आपको बस समझना है, बिकॉज यू आर रिटेलर्स इसलिए आपको समझ में नहीं आता है, हम पीछे बैठे हैं, हम समझ में आता है कि 12 साल का एक्सपीरियंस ऐसे नहीं दिया मेरे भाई। अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दे लेना, क्योंकि इस तरह के और जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ एज पर द कमिटमेंट ऑल्सो 50,000 सब्सक्राइबर्स होते ही यूट्यूब में जल्दी मैं आपको ऑप्शन की स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। ये एक वीडियो इसलिए बनाया जिससे कि आपको काला सच क्या है वीकली एक्सपायरी का वो मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। बड़े ऑपरेटर कैसे आपको बोलते हैं कि ऑप्शन सीखो हेजिंग सीखो और आपको एडजस्टमेंट करनी नहीं आती और सारा आपसे प्रीमियम चूज लेते हैं, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, क्योंकि यही बोला जाता है ना मेरे भाई। आप सर सिंपल सा लॉजिक समझना, एक बड़ा शार्क समुंदर में, एक बड़ी शार्क है, वो जितने छोटी मछलियों सबको लपेट देगा और छोटी मछली को कभी बड़ा नहीं होने देगा। तो जो मार्केट में आपको बोलते हैं ऑप्शंस, भाई वो आपको लपेट रहे हैं, ध्यान से समझना। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए गाइस और आपके टाइम के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं एक और पावरफुल 9:30 की स्ट्रैटेजी आप लोगों को देने वाला हूँ, 9:20 ऑलरेडी स्ट्रैटेजी दे चुका हूँ, 9:25 स्ट्रैटेजी दे चुका हूँ, एक पावरफुल जो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्रैटेजीज है, 9:20, 9:25, 9:30, इन तीनों के अंदर मेरे सारे स्ट्रैटेजी जो कवर होते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको 9:30 में देने वाला हूँ। हो सकता है मैं कल मॉर्निंग तक आपको या आफ्टरनून तक आपको वीडियो दे दूँ, भाई बहुत टाइम लगता है, दोपहर से बैठा हूँ, दोपहर से लेकर अभी तक वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत लग रही है, 9 बज रहे हैं रात के, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो गाइस 23 मई को मैं एक ऑनलाइन वेबिनार आप लोग लिए कर रहा हूँ एज अ चैरिटी समझ लेना, क्योंकि उसका फीस मात्र 2,500 रुपये मैंने रखा है, 2,500 रुपीज़ में, जिसका प्राइस क्लास अटेंड करोगे मैं उन लोगों का फीडबैक लूंगा और वो फीडबैक आप सभी लोगों को दूंगा जो ये मेरा सेशन मिस कर देगा। भाई 300 से 500% रिटर्न 5 साल में। आप लोग SIP म्यूचुअल फंड करते हो, मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड सही नहीं है बॉस, तो क्या लॉजिक है, किस तरह से हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं? बॉस अगर आप इंट्राडे पैसा नहीं बना पा रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है, टाइम नहीं है, ऑफिस में जॉब करते हो, कहीं बिजी हो, बिजनेस में बिजी हो, आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, खुद सीखो। लिखा है क्लियर कट, से बिग नो बैलेंस शीट, कैश फ्लो, पी रेशियो एंड विक्स, कुछ नहीं देखना है, प्योर प्राइस एक्शंस के ऊपर मैं आपको स्टडी देने वाला हूं, कैसे फाइंड आउट किया जाए, हाउ टू फाइंड आउट आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक्स इन इंडिया, यानी कि ROI 300 से 500%, ऐसा सीक्रेट किसी भी मार्केट में लगा लेना मेरे भाई। और बैक टेस्ट दिखाऊंगा आपको 23 तारीख को, 23 मई को लाइव बैक टेस्ट दूंगा, तो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हो सकता है मैं चाहता तो आपके लिए ये लाइव वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे 9-10 स्ट्रैटेजी यूट्यूब में डाल चुका हूं, ये भी स्ट्रैटेजी मैं फ्री में देता मेरे भाई, फ्री में दूंगा, कदर नहीं करोगे, वैल्यू तभी होती है जब आप उसका पे करोगे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में हल्के में नहीं लेना, इसलिए बहुत पावरफुल है, 300 से 500% रिटर्न है, एरा गैरा नत्थू गैरा कोई भी इस तरीके से इस मेथड से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सिंपल छोटा सा प्योर प्राइस एक्शन स्टडी है, हार्डली 10 से 15 मिनट की स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी। और हाँ मजे की बात, एंट्री तो पूरी दुनिया बताएगी, ये मैं इस टाइम पे क्यों लाया हूं, ध्यान से समझना, मार्केट में गुड अपॉर्चुनिटी चल रहा है, एक राइट अपॉर्चुनिटी है, मल्टी बैगर स्टॉक्स को चुनने के लिए सस्ते दाम पे आपको मिल रहे हैं,
हजारों शेयर्स है, हजारों में से कौन से ऐसे 40-50 स्टॉक्स निकाला जाए जिसको मल्टी बैगर हम बना सकते हैं। पूरी दुनिया आपको यूट्यूबर में आके अभी बोलने वाली है कि भैया ये स्टॉक बाई कर लो, ये ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब बुलशिट। मैं बात करूंगा ऐसा मंत्रा की जो आज से नहीं 12-15 साल से वही स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। और ये जो स्ट्रैटेजी ने बड़े भाई बड़े बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं, फंड हाउसेस यूज करते हैं, वो स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूं जस्ट चैरिटी 2500 रुपीस में। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, रिफंडेबल है। अगर मेरा स्ट्रैटेजी काम नहीं करा, पूरा पैसा रिफंडेबल इसलिए रखा हूं मेरे पास, कोई मार्केट में रिफंड नहीं करेगा, मैं करूंगा, इसलिए रखा है जिससे कि आपके भेजे में घुस सके, बॉस ये तो करना है, बिना इसको करे नहीं रहना है। लाइव बना देगी मेरे भाई, लाइव बना देगी, क्लियर कट बोल रहा हूं, नो ब्ला ब्ला। किंग रिसर्च 100 सुनार की एक किंग रिसर्च की काम बोलता है। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, और मजे की बात, स्टे होम एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। सौ सुनार की एक किंग रिसर्च की, सौ सुनार की एक किंग रिसर्च की, सौ सुनार की एक किंग रिसर्च की। थैंक यू।